उदयपुर के कोटड़ा इलाके में बेटी की एक लड़के से प्रेम कर उसके साथ भाग जाने से नाराज मां ने आत्महत्या कर ली। यह मामला मांडवा थाना क्षेत्र के जुड़ा गांव का है, जहां कैफ खान बुधवार रात को माए मेघवाल को भगा ले गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़की की 50 वर्षीय मां सुमरी ने सदमे में जहर खा लिया। परिजन उसे CHC लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की की मां की मौत के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, साथ ही पुलिस की टीमें लड़का और लड़की को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। इधर शनिवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर अशोक कुमार को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मुलजिमों को गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, मृतिका के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, मृतिका के परिवार में से 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और लव जिहाद विषय पर राजस्थान में विशेष कानून बनाया जाए। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के जयवीर सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह चुंडावर, सतीश शर्मा, कुंदन चौहान, प्रीत साहू, प्रदीप मेनारिया आदि मौजूद रहे। जी, देवेंद्र सिंह चुंडावर, हिंदू जागरण मंच। 9 फरवरी को कोटा उपखंड में जो घटना घटी लव जिहाद की, आज उसके विरुद्ध में हिंदू समाज में जो जन आक्रोश है, तो उसके लिए ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में ये मांग की है कि संबंधित परिवार की जो उसकी माता है, उन्होंने जो सुसाइड किया है, सुसाइड संबंधित में जितने भी लोग जो लव जिहाद में उनकी बेटी को ले गए हैं, उन सबकी गिरफ्तारी हो, उसके परिवार में एक जने को सरकारी नौकरी मिले और मुआवजे के रूप में उस परिवार को 1 करोड़ रुपये मिले। ये एक हिंदू समाज की मांग है। ठीक है।